हेलो कर देखो, बेसिकली क्या है ना, ये एमसीएसए का जो कोर्स है, बेसिकली मेरा फोकस इस पे नहीं रहता कि एमसीएसए कंप्लीट कराया जाए। मेरा जो जी जी फोकस ये सर रहता है, मेरा ये रहता है कि बंदे को कुछ समझ आए, वो आगे जाके इंडस्ट्री में काम कर पाए, ये फोकस रहता है मेरा, ठीक है ना। जी सर तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो इसके जो कोर्स है ना, उसको डिजाइन किया हुआ है इस तरीके ओके से। सर तो ओके सर मेरे पास क्या होता है, कोई भी बंदा आता है तो सबसे पहले मैं उसे क्या करता हूँ, फंडामेंटल्स कराता हूँ। पहले ओके फंडामेंटल्स में हम लोग क्या करते हैं, आईपी वर्जन 4 की एड्रेसिंग करेंगे जी सर और सबनेटिंग करेंगे सबसे पहली सर ये चीज, मुझे पता है सर इसका ठीक है। सीसीएनए से जी हाँ सर हाँ आपको तो आता ही होगा। फिर हम जी करते सर हैं आईपी वर्जन 6, इसके हम जी एड्रेसिंग करते हैं क्योंकि इसमें सबनेटिंग होती नहीं है, ठीक जी है। सर तो अब क्या है, ओवरऑल उसको समझ में आ जाता है आईपी एड्रेस क्या है, आईपी वर्जन 4 और 6 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओके सर सेकेंड पार्ट हमारा जो रहता है इसके अंदर, वो रहता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। उसको जी समझ में सर आना चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग क्या रहती है, मतलब जो हम लोग ओके काम कर रहे हैं नेटवर्क में, तो नेटवर्क चल कैसे रहा है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है। तो लेयर ओके जी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आता है। तो ओएसआई लेयर सर जो कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस मॉडल जो है, वो थोड़ा सा जी यहाँ सर पे मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, ठीक है। इससे ओके कि सर कभी भी जैसे कोई इश्यू आता है तो समझ में आ जाता है कि कौन सी लेयर से हो रहा है, ठीक है, कौन बिल्कुल सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो वो सारी जी जी सर चीजें बैकग्राउंड में जो चल रही है उसको समझ में आनी चाहिए, तभी वो एडमिन लेवल पे काम कर पाएगा, नहीं तो वो डेस्कटॉप सपोर्ट पे ही काम करेगा, ठीक है ना। जी जी सर थर्ड जो पार्ट है यहाँ पे, वर्चुअलाइजेशन का स्टार्ट कर देते हैं। जी सर तो यहाँ पे देखो, जो वीएम वेयर है उसके ऊपर काम कैसे करते हैं और जी हाइपरवी सर काम कैसे करते हैं, जी ये थोड़ा सा बता देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अब सर्वर वाला पार्ट आपका स्टार्ट होगा। ओके अब ओके यहाँ पे सर्वर के फंडामेंटल स्टार्ट हो जाएगी, सर ठीक है। इस तरह से आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या ओके होगा सर कि हमारे पास जो, इसमें देखो जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट 1 होगा सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पार्ट होगा, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सर्वर पे काम कर रहे हैं तो सर्वर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। जैसे कि अब मान के चलते हैं डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, ओके ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज, ये दोनों चीजें समझेंगे, ठीक है ना। जी सर स्टोरेज के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे स्टोरेज पूल वगैरह बनाते हो, डिस्क को मिरर करते हो, ठीक है, रेड 5 बनाते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, ओके ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट होगा इसमें, इसमें हमारे पास जैसे फाइल सर्वर बनाना हो गया, ठीक है, डीएफएस वाला पार्ट हो गया, जी डीएससीपी हो गया, डीएनएस हो गया, ठीक है, ये हम थोरली अंडरस्टैंड करेंगे सारी चीजें। जी सर डीएनएस तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर ये भी मैं पीछे हाँ एक उसमें देख रहा था एक जगह पर हम लोग एक ट्रबल शूटिंग कर रहे थे सर सारा दिन लगे रहे लड़के उसके साथ और आखिर में पता चला कस्टमर का डीएनएस जो था ना वो किसी और डीएनएस को पॉइंट कर रहा था और वो डीएनएस डाउन हो गया था सारी ट्रैफिक सर उनकी सारा दिन कोई कुछ भी नहीं चलता रहा तो डीएनएस तो सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आप ठीक कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है, ये सारे जी चीजें होंगी, सर ये आरएएस सर्वर वगैरह, WSUS क्या होता है सर विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज होती है, ये होता है ना ओके सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज अपडेट करना। तो उसके लिए क्या होता है, एक अपस्ट्रीम सर्वर बनाते हैं और उसमें नीचे जितने भी क्लाइंट हैं और सर्वर हैं वो सब अपडेट लेते रहते हैं, ठीक जी है। सर तो डब्ल्यूएसएस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जी सर ये भी अक्सर अपडेट्स भिजवाते हैं और फिर सर्टेन एप्लीकेशन जो होती हैं वो स्टॉप कर देती हैं वर्क करना जब दूसरे दिन लोग आते हैं ऑफिस में तो तो डब्ल्यूएसएस जी में क्या है ना कि भाई आप पहले टेस्ट करोगे, उसके बाद ही डिप्लॉय करोगे, और किस क्लाइंट को कौन सा देना है पैच, ये भी सारा डिसाइड होगा ना। ओके जी तो वो सारा डब्ल्यूएसएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है ये वाला। जी सर फिर यहाँ पे देखो आरएएस वाला पार्ट है, जैसे वीपीएन वगैरह आप बना रहे हो, जी सर टनल बना रहे हो, वो सारा इसके जी अंदर आएगा।
लैन राउटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, जी सर, वो सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। जी जी नेट, सर, नेट होता है एक, जी NAT, वो आता जी है इसके अंदर, नेटवर्क ठीक एड्रेस है। ट्रांसलेशन, जी हाँ, जी बिल्कुल, प्रॉक्सी अगर लगाया तो प्रॉक्सी कैसे काम करता है आपका, वो भी जी ये समझ में भी आएगा सर, ये भी आपका, ठीक जी। है ना। अच्छा सर, हम इन इन सारे टॉपिक्स को सर आप डिटेल में कराएंगे मुझे, ये जिस तरह हाँ, लैन है, सारे देखो, वीपीएन सारी है, चीजें डिटेल में होती है। जी सर। देखो, छोटी से छोटी चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें डिटेल में चलेंगी, ठीक है। ठीक फिर है सर, आपका यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा AD Part 2। अब ओके AD की जो मतलब जो AD के फंडामेंटल है वो यहाँ कवर हो गए आपके, मतलब ओके जैसे यूजर बनाना, OU बनाना, डेलीगेशन देना, ठीक है, प्रोफाइल बनाना, कोटा देना, मतलब ये सारा इसके अंदर आ गया, समझ रहे हो। ओके जी मतलब ये जो आप थर्ड पेपर में करते हो, आधा पार्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो। ऑलराइट अब लास्ट का पार्ट यहाँ कंप्लीट होगा, आधा पार्ट, तो इसमें ओके AD के जो एडवांस टॉपिक हैं वो सारे कवर होंगे, ठीक है। जैसे जी डोमेन सर, कंट्रोलर बनाना, ठीक है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना, RODC डिप्लॉय करना, ठीक है, जी ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना, ठीक है, जैसे कि आप फॉरेस्ट ट्रस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो कैसे ट्रस्ट बनेगी आपकी, एक्सटर्नल ट्रस्ट बना रहे तो कैसे बनेगी आपकी, जी सर, ठीक है, ये सारी चीजें कवर होगी। पैरेंट चाइल्ड ओके ट्रस्ट बना रहे हो, रिलीम ट्रस्ट बना रहे हो, तो वो सारा इसके अंदर कवर होगा, ठीक है। ओके फिज्मो रोल आपके इसके अंदर कवर होंगे, सर्वर को जो है प्रमोट कैसे करना है, डिमोट कैसे करना है, डीकमीशन कैसे करना है सर्वर को, जैसे कोई सर्वर है जी पुराना हो गया, उसकी जगह नया आपको लगाना है सर्वर, तो जी पुराने को सर, कैसे हटाना, नए कैसे लगाना है, ठीक है, जी अपग्रेड कैसे करना है, माइग्रेट कैसे करना है, वो सारा इसके अंदर आएगा। ओके ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, ये मैंने देखा है सर, अक्सर इसमें इंजीनियर जो होते हैं ना वो स्टक हो जाते हैं सर, अपग्रेड करने में या माइग्रेट करने में, ये तो बहुत ज्यादा सर इंटरव्यूज में पूछते हैं यहाँ पर। तो ये तो कुछ ही टॉपिक है, वो सारी चीज आपको कवर कराएंगे। देखो, डिटेल में अगर हम घुस जाएंगे ना इसमें, जी सर, तो सर सारी मैंने चीजें, डिटेल में ही करना, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि सर यहाँ पे काफी लोग करवाते हैं, लेकिन आपकी तरह सर कोई डिटेल में नहीं कराता, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप मुझे आराम से सुकून से करवाएं सर। मैं खैर एक महीना दो एक्स्ट्रा भी अगर आप ले लें तो कोई ऐसी बात नहीं है सर, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसके एक्स्ट्रा के लिए भी पे कर दूं, कोई ऐसा मतलब आपकी आपकी मेहनत का कोई ऐसा वो नहीं है सर कि आप देखो मुझे चक्कर क्या होता है कि मेहनत से पढ़ाएं और मैं वो ना करूँ ना, लेकिन सर मैं ये चक्कर चाहता क्या हूँ कि होता है, मैं देखो प्रॉपरली कभी सीखूं। कभी क्या है ना, ज्यादा ज्यादा आगे निकल जाते हैं, तो मतलब टाइम वेस्ट, मतलब ज्यादा टाइम लगना लग जाता है। मतलब अब जैसे जी मैंने सर, आपको 2.5 महीने बोला, हो सकता है आपको 3 महीने या 4 महीने भी लग जाते हैं। तो अब क्या होता जी है जी कि सर, लोग क्या होते हैं कि यार पेपर तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं वो करते, चक्कर ये होता है। जी तो नहीं फिर सर, क्या है, मैं कर टॉपिक को दूंगा छोटा कर आपको देना पड़ता है, समझ रहे हो। सर, सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरी आपकी बिल्कुल ऑनेस्ट डीलिंग होगी सर, आप मुझे अगर एक्स्ट्रा टाइम देंगे, इन डेप्थ सिखाएंगे, लॉग्स देखेंगे और मतलब दिल ये लगा देख, के आप मुझसे करेंगे ये सर, पूरा आप ऐसा कोई देख लो ना, मसला नहीं कितना कि कितना बड़ा सिलेबस है, देख रहे हो आप, जी मैं जी बिल्कुल इतना कोई कराता नहीं है। जितना लेवल पे मैं आपको करा दूंगा ना, जी सर, ठीक है, उतना कोई नहीं करा पाएगा। ये मैं एक एक टॉपिक लेके चलता हूँ, इसमें जी मैं ये ठीक है सर, माइक्रोसॉफ्ट का जो करिकुलम है उसे फॉलो करता हूँ, ओके इसमें सारी चीजें कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा आपको, ठीक है सर, ये सारी चीजें आपको कराऊंगा, एक एक चीजें आपको आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता, जी सर, सर एक्चुअल में आपको ये पता तो लगेगा। जी सर। अच्छा सर, ये जो क्लाउड होता है सर, क्लाउड के बारे में सर, ये क्लाउड जो मैं जो कहते हैं जी क्लाउड करना है, ये करना है, तो सर ये सारी की सारी चीजें जो आपने मुझे बताई हैं अभी, मतलब पेपर 1 2 3, ये सारी सर ये फिर हम क्लाउड में भी जाके सेम सेम टू सेम ही करते होते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, क्लाउड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो ऑन प्रीमाइसेस सर्वर से माइग्रेट करते हैं क्लाउड के ऊपर, क्योंकि क्लाउड जी सस्ता सर, होता है, ठीक है ना। ओके तो क्या है कि आप जैसे कोई नई कंपनी खुल रही है, स्टार्टअप कंपनी खुल रही है, तो सर्वर ना लगा के वो क्या करेगी, क्लाउड में शिफ्ट हो जाएगी। पर क्लाउड पे प्रॉब्लम ये रहती है, उसका डेटा जो होता है ना वो उतना सिक्योर नहीं माना जाता, क्योंकि देखो क्लाउड पे जो अगर डेटा रखोगे आप, ठीक है, तो आपको ये देखो स्टोरेज कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, और जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ती रहेगी,
जी और लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी चल रही है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो डिपेंड हो जाएगी पूरी उस पर। तो कंपनी क्या करती जी है, जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती है ऑन प्रीमाइसेस सर्वर भी लगाए जाते हैं। स्टार्टअप के लिए तो ठीक है, डायरेक्ट चले जाओ क्लाउड के ऊपर, लेकिन क्या होती है, जो बड़ी कंपनी होती है वो क्या होता है ना, देखो डेटा का जो प्रोविजन होता है दो जगह से ही होना चाहिए। अगर एक ही जगह रखोगे डेटा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। जी दूसरी चीज होती है, एक ही क्लाउड प्रोवाइडर को यूज ना करके मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर भी यूज किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जी माइग्रेशन जो होता है स्टेप, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जी सर और डेटा को बचाना भी होता है। सर हम आप मुझे कुछ इस कोर्स के दौरान कुछ माइग्रेशन के बारे में बताएंगे सर कि माइग्रेट कैसे करते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे आप यानी अगर एज्यूर ऑन। देखो, जी एज्यूर जी एज्यूर का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। नहीं सर, अजोर का आइडिया नहीं है सर मुझे। देखो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे देखो क्या है ना, देखो आपको एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए बस। जैसे अब आपने एमसीए से सीख लिया तो उसके बाद जी अब क्या सर होगा ना, क्लाउड पे जो चीजें हैं उन्हें करने में आसानी होगी आपको। एक एक चीजों को ना फंडामेंटल नहीं बताना पड़ेगा, नहीं समझ रहे। ओके जी नहीं जी तो मैं क्या होता समझ है कि बंदे को गया एक एक चीज बतानी पड़ती है कि ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर जी रहे हैं, नहीं समझे। जी जी सर ये देखो एज्यूर पोर्टल पे आ गए हम। जी सर अब इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं करना है, देखो वर्चुअल मशीनें बनानी है, यहाँ पे स्टोरेज मैनेज करना है, एडी एडी भी मैनेज कर सकते हो यहाँ पे आप, जी एज्यूर एडी कहते हैं इसको, ठीक है। जी आपको सर जो यहाँ पे क्रेडिट दिए जाएंगे, यहाँ पे आपके पैसे दिख जाएंगे भाई कितना आपने जो है इसके अंदर जो है लिया हुआ है अकाउंट, जी सर तो उसमें आपको यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। पे एज यू गो प्लान ओके में जो होता है क्रेडिट कार्ड से आपकी अमाउंट कट जाता है जितना आप यूज करते हो मंथली, ओके जी तो उसका बिल जनरेट हो जाता है, आप बिल पे कर सकते हो, जी सर ठीक है। तो ये सारी है, जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस है यहाँ दिखाई देंगे आपके सारे, ठीक है। जी सर तो यहाँ पे जितने भी आप रिसोर्सेज हैं वो यूज कर सकते हो। देखो यहाँ क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हो, देख रहे ओके हो। जी जी सर ये देखो एडवाइजर है, मॉनिटर है, ठीक है, एडी एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एडी, वर्चुअल नेटवर्क, ये है देखो आपका, ये नेटवर्क वाला जी यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे जी आप क्रिएट करते हो ना वर्चुअल नेटवर्क, वो यहाँ से जी बनेगा आपके, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट यहाँ ओके बनेगा, लोड बैलेंसर ले सकते हो, वर्चुअल मशीन है, ये डेटाबेस के लिए होता है कॉस्मो डीबी, ठीक है। एसक्यूएल जी डेटाबेस अलग होता है इसमें, इसमें भी डेटाबेस के अलग अलग टाइप है, न्यू एसक्यूएल है, एसक्यूएल है, बहुत सारी है इसके अंदर, ठीक है। जी तो जितने भी सारी चीजें बस इन्हीं को मैनेज करना है यहाँ पे, जितने ओके इसके अंदर आ रहे हैं ये सारी चीजें यहाँ मैनेज करनी है आपको। ये जी देखो ये मेरे पास जो भी मशीनें वगैरह बनी है, एक्सचेंज की बनी है, देखो यहाँ पे ये एक विंडोज 10 के क्लाइंट बना हुआ है, ठीक है। तो यही जी सारी आपको यहाँ मैनेज करनी है, बट डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे मशीन ओपन हो जाएगी, उसके ऊपर काम करोगे, क्लाइंट को मशीन जी दे सकते हो आप, ठीक है। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये एमसीएसए का पोर्शन आप जैसे मुझे होपफुली सब अच्छे तरीके से करवा देंगे, ठीक है, मुझे वो सारी चीजें करने के बाद जब हम क्लाउड के ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा इंटरफेस क्लाउड का डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो जब वंस वी आर इन द वर्चुअल मशीन तो फिर तो सर उसकी सारी एडमिन उसी की तरह की होगी ना जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट की पढ़ी हुई है ऑन ऑन प्रीमाइस सर्वर की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर्वर तो ओके वही जी रहेगा था उसके अंदर। अब देखो यहाँ से मैं ये मशीन ओपन कर रहा हूँ, ये देखो ये मशीन आ गई। अब मशीन से रिलेटेड यहाँ सारी चीजें आ रही है, देखो कोई प्रॉब्लम है डायग्नोस्टिक्स में चले जाओ, नेटवर्किंग, कनेक्ट। अब देखो कनेक्ट में गया है, यहाँ पे आरडीपी लेना है इसका मुझे, जी ये SSH लेना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे उसकी फाइल और यहाँ कनेक्ट कर सकते हो आप, अभी तो जी डीएलोकेट हो रखी है। ओके जी स्टार्ट करना पड़ेगा पहले मशीन को। अब देखो मशीन यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो इसका पब्लिक आईपी आ गया, जी ठीक है ना। और बस इसको यहाँ पे इसका आरडीपी जो है डाउनलोड कर लेंगे और कनेक्ट कर देंगे उसे। अब मशीन स्टार्ट हो रही है, अभी पहले सारी चीजें होती है, मोबाइल में भी हो जाता है ये एक्सेस जो आप देख रहे हो, ये जी मोबाइल में भी हो जाता है ऐप के फॉर्म में,
ये एज्यूरो का ऐप होता है, एज्यूरो के ऐप से लॉग इन करके आप कहीं पे भी किसी समय देख सकते हो मशीन को, कहीं मशीन को जी डाउन कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, सारा कुछ उसमें रहता है। ऑन हो गई तो जी मशीन, अब आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे आरडीपी, ये जी देखिए ये आगे इसकी फाइल डाउनलोड करके अब इसे कनेक्ट कर लो। जबरदस्त। भाई यहाँ पे लॉगिन आप डाल दो। अच्छा सर, ये आप मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ये MCS है तो आप मुझे करवा देंगे सर, उससे तो मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हो गया हूँ। सर ये क्लाउड में आप मुझे कहाँ तक लेके जा सकते हैं, अगर मैं आप ही के साथ चलना चाहता हूँ, मतलब मैं इंस्ट्रक्टर चेंज नहीं करता, एक ही इंस्ट्रक्टर के साथ रहता हूँ तो। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एडमिन वाला पार्ट तो करा ही दूंगा, फंडामेंटल और जी सर, एडमिन वाला पार्ट करा दूंगा आपको। ओके okay. उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी। ये देखो सर्वर आ गया, जी ये सर, अब इस पे काम करो, देखो बिल्कुल वैसे ही है जो ऑन प्रीमाइसेस सर्वर की तरह काम करना, करना तो काम सर्वर के ऊपर ही है, समझ रहे हो, जी सर, बस उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी बस। ओके ये देखो चल तो वैसे ही रहा है आपका, समझ रहे हो, जी चलने में बिल्कुल वैसी है, सारा काम वैसे ही होगा, पर ये क्लाउड के ऊपर है, जी ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हम इस पे काम कर रहे हैं या कहीं और कर जी रहे हैं काम, तो काम ही है, काम तो यहां से करो वहां से करो, बात तो एक ही है, ठीक जी है ना। तो ये चीज है, तो सर फिर इसका इसका क्लाउड में जो ये जो क्लाउड का सर, ये अक्सर जॉब्स आती है, डेवऑप्स की जॉब आती है या और कोई जॉब आती है सर, इसका क्या सिलसिला होता है, उसमें क्या करना होता है सर डेवऑप्स में? इसी के अंदर चीजें है ना, इसी के अंदर चीजें, भाई डेवऑप्स वगैरह अगर है तो उसमें जैसे आप कोई भी चीज, वो देखो वो तो क्या है ना, उसमें दो पार्ट है, डेवलपमेंट है ऑपरेशन। तो जी डेवलपमेंट वाला पार्ट है, तो डेवलपमेंट के लिए क्या है, कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो होता है ओके ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जी AI, वो वाला पार्ट होता है उसके अंदर, तो ओके उसके थ्रू वो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जी जैसे पाइथन लैंग्वेज वगैरह हो गई, तो वो सारी इसके अंदर है, मशीन लर्निंग हो सर, हम गया। शेल 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 वो करेंगे सर, शेल के ऊपर जाके आप बैश स्क्रिप्टिंग क्या कुछ करेंगे सर, हाँ इसके अंदर हमारे कोर्स वो में है होती है क्लाउड, क्लाउड शेल होता है इसके अंदर, ये रहा देखो जी क्लाउड शेल। यहाँ पे आप जैसे मशीनें वगैरह आप बना रहे हो, तो यहाँ आप डायरेक्ट कमांड से बना सकते हो, जी सर ठीक है ना। ये स्टोरेज जी मांग रहा है, स्टोरेज अभी ऑन नहीं है इसका, सर, आप तो करवाते उसके ऊपर वो होते सारी हैं आ जाएगी। शेल के ऊपर? हाँ पावर शेल, जी ये पावर शेल की तरह आ जाता है, बस वहाँ कमांड चलानी होती है जी स्क्रिप्ट, जी नहीं, तो मैं ये कह मशीनें रहा हूँ सर, बनाना तो आप वो सारा उससे होता है। आपके आपके कोर्स का पार्ट है सर पावर शेल करवाना? हाँ पावर शेल में जैसे यूजर बनाना है और भी चीजें जैसे रोल इंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें उसी से होती है, जी सर, ओके ठीक वो तो पावर शेल तो आपको समझ में आ ही जाएगा उसके अंदर। जी सर, मैं कंपनी में काम करता था बहुत पहले, कोई 4 1 साल पहले की बात है, तो वहां पर वो लड़के जो होते थे ना, जो सिस्टम एडमिन के होते थे, वो सारे पावर शेल की वो स्क्रिप्ट्स और वो चीजें उसे चला रहे करते थे, मुझे समझ नहीं लगती थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कि मैं देखा करता था उनको, और वो उधर मैं खाली फोन आंसर करता था, तो वो कहते थे कि इस यूजर का अकाउंट जो है लॉक अनलॉक कर दो, तो वो जाके उसके ऊपर राइट क्लिक करके ना उसको अनलॉक करके कहते थे दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड सेट करो, या इस तरह के ना छोटे मोटे काम, लेकिन ये कि वो देखो मुझे कभी भी, अब मेरा मेरा एम्फेसिस ये है कि सर मैं ये सीख के ना मैं क्लाउड में चला जाऊं, क्लाउड को मैं लर्न करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा मेरा ये सारे का सारा जो है वो सिलसिला है ठीक है, तो जी। सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो जी सर देखो जो ऑन प्रीमाइसेस करना ठीक है होता है वही चीज क्लाउड के अंदर भी करनी होती है, बस जी उसमें कुछ नहीं है, बस सारा कुछ बना बनाया है, बस आपको बस सारी चीजें दिखाई देंगी और वहां पे आपको करना होगा बस ऑप्शन, आपको कहाँ पे कहाँ से भाई ये देखना है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं क्लाउड के अंदर, क्लाउड में ना ऑप्शंस के अंदर, हाँ ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इसीलिए आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है ना। तो वो चीज जी है बस। अच्छा सर, एक 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 मेहरबानी आप और फरमाइए सर, अगर आपके पास टीम व्यूअर है ना, तो आप जरा मेरी मशीन को चेक कर लें कि ये मशीन जो है मेरी ये प्रैक्टिस के लिए इनफ है कि नहीं, या मुझे किसी और चीज की जरूरत है।
अगर मैं आपको अपना रिमोट वो एक्सेस दे दूं, आप प्लीज जरा मेरी मशीन को देख लें सर, एक मिनट नहीं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो ना यहीं पे। सर। वो इस पे नहीं है सर, वो दूसरी मशीन है ना, ये तो लैपटॉप है, लैपटॉप में कुछ भी नहीं है, पुराना सा अच्छा लैपटॉप है, अच्छा मेरे पास दूसरी मशीन है, आप उसको सर जरा प्लीज देख लें। ओके ओके टीम वीवर। जी जी सर। ये मेरा मेरा आईडी है सर 300। थ्री हंड्रेड फोर एट दोबारा थ्री 483 एट नाइन सेवन और पासवर्ड है सर लोअर केस क्यू क्यू एट एट ए जे अल्फा जे फॉर जूलिया ए जे बी क्यू ए डब्ल्यू अल्फा विस्की डब्ल्यू फॉर विस्की। जी आई एम अवेयर दैट आई एम अवेयर ये तो सर यहाँ पर कह रहा है प्लीज बी केयरफुल विद अनसोलिसिटेड कॉल्स डू यू नो द पर्सन इंटरैक्ट आई टाइप द फॉलोइंग इन द टेक्स्ट टू कंटिन्यू आई एम अवेयर। ऑथेंटिकेटिंग लिखा रहा है इसमें कुछ हो नहीं रहा। एक मिनट सर, एक मिनट, वो मुझे मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहे थे। एंड ट्रस्ट आई एम फुली अवेयर ये तो अलाउ सर नहीं, ये करो मुझे यहाँ एक जैसे मिनट, ये अलाउ क्यों नहीं करोगे सर? यार रिजेक्ट कर दिया आपने। नहीं मैंने अलाउड किया सर उसको। लिखा रहा है ऑथेंटिकेशन रिजेक्टेड। दोबारा जी कनेक्ट करूं? दोबारा ट्राई कीजिए सर। इनकमिंग कनेक्शन दिखा तो रहा है इनकमिंग। पासवर्ड दोबारा बताना। क्यू एट क्यू एट ए जे ए जे बी क्यू बी क्यू ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू जी ये पता नहीं यहाँ पर क्यों कहता एक्सेप्ट है कर लो ना उधर से। सर वो एक्सेप्ट में ये देखे ना, मुझे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला डायलॉग दे रहा है मुझे। मैं अभी आपको स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप करता हूँ कि वो मुझे क्या कह रहा है। ये देखें व्हाट्सएप मैंने आपको किया व्हाट्सएप जी मैंने आपको व्हाट्सएप किया, ये देखें सर। देख रहा हूँ। Type the following the text area to continue. ये कह रहा है गुड एडवाइस टाइप द फॉलोइंग इनटू द टेक्स्ट एरिया। आई एम अवेयर ऑफ द रिस्क एंड यहाँ पे ये लिखना होगा आप आई एम अवेयर ऑफ द रिस्क एंड फुली ट्रस्ट द रिमोट पार्टनर यहाँ लिखना होगा आपको। ओके ये ले सर। हाँ आप आ गए ना। अच्छा सर ये जरा मेरी मशीन को चेक कर लीजिए सर आप प्लीज, कि ये गुड इनफ है कि नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें एक काम करो ये जरा ओपन करो यहाँ पे सीपीयू जेड टाइप करना। ऐड कहाँ से आ गया इसमें? कहाँ से हो गई फाइल? वो डाउनलोड हो गया जी।
ये तो आप अरे सर्वर ही लेके बैठ गए आप तो लग रहा है। जी जियोन सर वी जी फोर स्टेपिंग सिक्स। अच्छा फोर कोर्स चार थ्रेड क्वाड कोर सीपीयू लेके बैठ गए आप। बस सर ये यही मुझे मुझे समझ नहीं है क्या काम करेगा सर। चल जाएगा चल जाएगा। सर्वर बोर्ड है इसका, जी डेल का है ये, जी जी सर डेल का जी डेल का सर्वर है जी क्या ये? जी सर डेल का सर डेस्क ये वो है सर वो डेस्कटॉप नहीं होता वो मशीन जो होती है अच्छा, जी समझ बस आ वो गया। मशीन है जी ठीक है चल जाएगा। DDR4 क्वाड चैनल। पता लगेगा कितने स्लॉट है इसमें, 8 स्लॉट है भैया इसमें तो रैम के, जी सर 16 GB रैम लगा रखी है एक स्लॉट में। जी जी दूसरे में देखो, दूसरे में कुछ नहीं है, एक ही स्लॉट में रैम है क्या? 16 GB रैम है क्या इसके अंदर? नहीं सर 64 GB है सर 64 GB है रैम, जी सर 16384 MB का तो मतलब ये होता है 16 GB, नहीं सर 64 है सर 64 GB रैम। जी सर जी सर 64 GB रैम है मुझे स्लॉट 2 तो खाली है, स्लॉट 3, हाँ स्लॉट 3 में भी लगी हुई है, जी 16 16 16 32 4 में नहीं है, फिफ्थ में भी 16 है, जी 48 GB है इसमें तो। जी सर ज्यादा है 48 से ज्यादा है जी नहीं देखो, 16 16 32 16 जी3 48 48 GB है इसमें, ओके जी खोल के देख लो। देखो और स्लॉट दिखा रहा है ना, जी सर ठीक है हर अगर स्लॉट सर में और क्या ज्यादा है लिखा चाहे वो तो पता लग रहा है ना, सर्वर जी खोलने की भी जरूरत अगर नहीं है। जी अगर ज्यादा की जरूरत पड़ी सर फिर हम और रैम चाहिए इसमें सर कि ये ना इनफ ना होगी इनफ है। एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है इसमें, जी ठीक है इनफ है, ओके 48 GB बहुत है, हो जाएगा काम, सही है सिस्टम तो सही ठीक है। है सर बस ये मशीन है सर इस पे मैंने ये मैंने लैब्स के लिए वगैरह के लिए लिया था तो फिर वो मेरा ख्याल है लास्ट टाइम आप बिजी थे इसीलिए फिर नहीं हो सका ना तो अभी है कि ये मशीन है मैंने इसी के ऊपर जो है वो करना है डिवाइस मैनेजर ओपन करना जरा। करें ना सर आप यहाँ से आपके पास एक्सेस है नहीं मैं, माउस चल नहीं रहा है मेरा, एक मिनट सर मैं यहाँ चलने से नहीं दे करता रहा है हूँ माउस को। यहाँ पर ना रन में जाके लिख दो। हाँ ये रहे सर आ गया आ डिवाइस गया मैनेजर आ गया। एक दो तीन चार क्वाड कोर है ये सीपीयू, 3.1 सर जी E5 1607। ठीक है, हार्ड डिस्क देखनी पड़ेगी इसे। अच्छा एक दो तीन चार, चार हार्ड डिस्क लगी है तोशिबा की। जी सर कितने जीबी की है? सर पता नहीं मैंने तो इतना टाइम चेक नहीं आई थिंक फाइव प्रॉपर्टीज में हंड्रेड जाना है इसका, जीबी अच्छा प्रॉपर्टीज में जाना। फाइव हंड्रेड जीबी का तो आई गेस ये है तुम्हारी 500 GB की है। जी 500 GB कीजिए
2 TB स्टोरेज ना तो 5 × 20 जी, 2 TB हो गए ना। ठीक है, सही है, हार्ड डिस्क भी ठीक है। चलो वर्चुअलाइजेशन के, सॉरी वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करते हैं, करेगा, क्वाड कोर है ना, करेगा जी सर। प्रिंटर भी लगा रखा है क्या? वो प्रिंटर घर पे है सर, HP NV 5000। जी ठीक है, सही है। मैंने स्टडी के लिए सर सारी चीजें वो अरेंज की हुई है, ना ठीक स्टडी है, का जो वो माहौल जो है वो सारा वो हो जाए ना प्रॉपरली। मैं तो सीरियस सीरियसली सर करना चाहता हूँ कि सीरियस हो जाए सर स्टडी करके। हाँ तो इस पे बन जाएंगी भी है, VMware वर्कस्टेशन प्रो है ना, ठीक है, बन जाएगी, जी हो जाएगा, तो ये है। बढ़िया अच्छा सर, बढ़िया। इसमें सारे पे टाइम कितना लग जाएगा सर, अगर जो आपने सिलेबस बताया है मुझे? देखो टाइम तो मैं आप बता रहा हूँ ना, 2 से 2.5 महीने तो लगेंगे लगेंगे, जी सर, बाकी अगर आप थोड़ा और स्पीड में आ जाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा। सर स्पीड में फिर कैसे सर, वो भूल नहीं जाएगा ज्यादा तेजी से अगर करेंगे तो? देखो क्या है कि जैसे मैं लैब करा रहा हूँ तो उसी दिन अगर आप कर लेते हो, पेंडिंग नहीं छोड़ते तो हो जाएगा, जी अगर पेंडिंग छोड़ दिया चल तो जी फिर आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है सर। तो रोजाना 1 घंटा किया करेंगे सर, मंडे टू फ्राइडे? हाँ ठीक है सर, 1 घंटा ठीक है, दैट्स फाइन। देखो ऐसा है ना, धीरे धीरे करोगे ना तो दिन का पता नहीं चलेगा कब आप कवर कर जाओगे उसे, जी वही ऐसा होता है ना, सोचने में और करने में फर्क होता है ना, जी सोचते रहेंगे कुछ नहीं होगा, करने बैठेंगे तब होगा एकदम, है सही बात है सर, ना, तो एक एक दिन ऐसे निकल जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा आपको। पता नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये जो MX सर्वर होता है, एक्सचेंज सर्वर, आप ये भी पढ़ाते हैं? हाँ हाँ एक्सचेंज सर्वर तो करेंगे इसके बाद। जी 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 देखो ये और आपका सर यहाँ MCC पर चलेगा ना, उसके बाद एक्सचेंज सर्वर करेंगे, एक्सचेंज सर्वर के साथ Office 365 कर लेना, तो आपको जी आइडिया हो बिल्कुल जाएगा जैसे मेल बॉक्स माइग्रेशन वगैरह कैसे होती है, ठीक है जी ना, तो उसका भी आइडिया आपको पता लग जाएगा, ठीक है, जी और Azure AD का भी समझ में आ जाएगा उसके थ्रू आपको, क्योंकि ओके Office 365 जब अकाउंट बनाते हैं तो Azure AD पे भी अकाउंट बनता है ना, जी तो आपको आइडिया जी लग जी जाएगा आपको क्लाउड का। बस यही करना है सर। आप मैं आपको सर वो उसका कोई मसला नहीं है, अगर महीना 2 महीना लग गया एक्स्ट्रा भी तो आई विल पे यू, उसका कोई मसला नहीं है सर, लेकिन ये कि मैं सही तरीके से प्रॉपरली लर्न कर लूँ इन सारी चीज़ों को। मतलब आपके स्टूडेंट होते होंगे सर, वो आपको कहते होंगे सर 1 महीना ज़्यादा लग गया, हम नहीं देते, ये नहीं करते, वो ऐसी कोई बात नहीं है सर नहीं वैसे कुछ तो? नहीं है, लोग तो कर दे, मतलब भाई अच्छे बंदे रहते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को देखो बाहर के बंदे ज्यादा रहते हैं तो जी कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती। जी जी सर बिल्कुल, तो ठीक है सर। अच्छा सर, ये एक जो स्काइप फॉर बिजनेस का SFB का सर्वर होता है, इसका भी आप स्टडी करवाते होते हैं? स्काइप फॉर बिजनेस तो वही है ना, Office 365 के अंदर आ जाएगा वो, ओके ऑलराइट सॉरी सर, आपने कभी इसका कोई ऐसा प्रोडक्शन में कोई वो प्रोजेक्ट किया है माइग्रेशन का, जहां पर आपने किसी कंपनी को माइग्रेट किया हो ऑन प्रेमिस से क्लाउड के अंदर? हाँ कहीं की है, चलते रहते हैं। ओके जी सर, मुझे उसका भी थोड़ा सा एक्सपोजर करवाइएगा कि माइग्रेशन किस तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर इंटरव्यूज के लिए जाए ना तो मैं अपने फ्रेंड्स से पूछता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि वो माइग्रेशन के बारे में पूछते हैं कि आपके क्या स्टेप्स थे, क्या आपको प्रॉब्लम्स आए, फिर आपने कैसे फिक्स किए, क्या ट्रबल शूटिंग आपकी वो थी, तरीका क्या था उसका, तो वो उस बारे देखो में हम तो ज्यादातर यहाँ यहाँ बैठे पे। बैठे जो है ना, कंपनी में जो रियल सर्वर है उनको डायरेक्ट एक्सेस लेके काम करते हैं, जी सर सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर ही काम करते हैं, जी जी सर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, जी क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, देखो जो प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है,
तो वही यहीं से बैठे बैठे जो है हम रिमोट पे लेके कर देते हैं। जी तो चाहे मतलब छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं जी बैठे बैठे हो जाता है सारा। ठीक है सर। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप रिमोट पे देके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, मुझे मैं तो अभी मतलब वो एज सच इस फील्ड में नहीं हूँ ना। मैं दिन मतलब डे नाइट ये काम नहीं करता। मैं तो नेटवर्किंग में हूँ। मैं फील्ड इंजीनियर हूँ, टेक्नीशियन हूँ। अच्छा तो अच्छा जी मैं ये नहीं करता वरना। लेकिन ये कि मैं अक्सर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो तो मैं उनसे सुनता रहता हूँ, तो वो कहते हैं यार क्लाउड्स कर लो इमरान, क्लाउड में ज़्यादा वो है, स्कोप है, तो तुम क्लाउड करो, डेवऑप्स करो, ये करो, वो करो। तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आया। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे प्रॉपरली गाइड करें ताकि बेसिक से हम स्टार्ट करें। खैर 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं, लेकिन यह है कि मैं उसको अच्छे तरीके से कर लूँ, समझ लूँ। ठीक है, तो सही है, कल से कर लेंगे फिर स्टार्ट। चले ठीक है सर, फिर मैं आपको फिर वो करूंगा, पिंग करूंगा, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो होपफुली। ठीक है सर, मैं ठीक आपको है कल कल मैं आपके अकाउंट में पैसे भी डाल दूंगा, 7,000। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, थैंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो यू शेयर वेरी कर मच दूंगा सर। अकाउंट नंबर। जी, मुझे अकाउंट नंबर या मुझे वो कर दीजिएगा सर आप, या फिर मुझे वो आप दे दें। मैं आपको ना वेस्टर्न यूनियन से या मनी ग्राम से कर दूंगा, वो मुझे ज़्यादा ईजी रहता है। वेस्टर्न यूनियन का यहाँ पे है नहीं कोई। फिर आप मुझे अपना अकाउंट नंबर और वो शॉर्ट कोड और वो कोई पिन वगैरह होती है सर, वो दे दीजिएगा। वो यही उसके जैसे ऊपर मेरे ना, पास आते हैं ना, तो वो तो वही से यार मेरे अकाउंट में भेज देते हैं, जी, मैं वो भी कर उसके दूंगा थ्रू सर। रेमिटी करके पता नहीं क्या होता है वो करके भेज देते हैं वो, और मतलब वहां से भेजते हैं और 1 घंटे में आ जाता है, सर ये मतलब एक जैसे घंटे से भी जल्दी में आएगा सर। मैं यहाँ से जैसे ही भिजवाऊंगा ना, स्ट्रेट अवे 5 मिनट में आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। अच्छा, जी ठीक है। मैं क्या क्या डिटेल चाहिए आपको? मैं आपको सर, सबर करें सर, मैं आपको भी यहाँ पे ना, आप मेरे साथ ही, मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, तो 1 मिनट सर मैं देखता हूँ, वेस्टर्न यूनियन ना, एक मिनट दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। इससे तो फिर लेने जाना पड़ेगा ना वो सेंटर पे, और नहीं वो सर, ये रिजेक्ट हो अकाउंट में जाता है। आएगा ना आपके, अच्छा, आपके ठीक है अकाउंट जी में सर, आएगा ना सर ये। ठीक है ठीक ये देखिए अगर मैं आपका, पहले मैंने आपको नहीं भिजवाया ना, तो समवन न्यू करता हूँ इंडिया में, तो फॉर एग्जांपल आपको 7,000 चाहिए ना पर फीस, पेपर की फीस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये नहीं, ये तो कोई और ऐड न्यू। अब सर ये देखें, ये आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, अच्छा एड्रेस, बेनिफिशियरी ऐड होगा सिटी, पहले तो सिटी जी सिटी, और ये PIN कोड, आपका पिन ईमेल कोड। अच्छा अच्छा एड्रेस, फोन नंबर, और ये आपके ठीक बैंक की डिटेलें, ये आप देंगे मुझे, ये आप मुझे ईमेल कर दें और मैं यहाँ से आपको जो है वो फंड्स ट्रांसफर कर दूंगा। दैट्स इट। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। ये सारी डिटेलें सर आप मुझे प्लीज भिजवा दीजिएगा। फर्स्ट नेम अपना, ये एड्रेस, सिटी, ये PIN कोड, ठीक है, ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, और ये आपका बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, और ये ताकि मैं आपको आराम से भिजवाऊँ, आपके अकाउंट में फौरन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ठीक ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ओके ओके सर, फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ओके थैंक। ओके सर, ओके।